Hello dear students, how are you all? Okay, today we are going to start lecture 2, class 7th, democracy. Democracy के lecture 2 के अंदर में आज हम जानेंगे कि democracy के type कितने type के होते हैं. I hope कि first lecture के अंदर में आपने ये समझा अच्छी तरीके से कि democracy क्यों important है other forms of government के, कि क्यों ही हम democracy को follow करते हैं. तो चलिए लेक्चर 2 के अंदर में हम ये पता लगाते हैं कि डेमोक्रेसी के फॉर्म्स कितने होते हैं. तो बेटा हमने क्या लिखा था, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर में जो डेमोक्रेसी है वो भी उसके भी टाइप्स होते हैं. फर्स्ट जो हमारी होती है वो होती है हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम प्योर डेमोक्रेसी भी बोलते हैं. ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि व्हाट इज प्योर डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी. सर हमने डेमोक्रेसी का मतलब तो समझ लिया था कि डेमोक्रेसी जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा होती है, जनता के लिए की जाती है. ठीक है, कि जो जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन चलाया जाए उसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड टू द पीपल. बट लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है बेटा जब जनता के लोग स्वयं किसी नीति, पॉलिसीज, कानून, लॉ या सिद्धांत या प्रिंसिपल्स का खुद स्वयं निर्माण करें, या किसी असेंबली में बैठ करके वो चुनाव करें कि उन्हें किस किस तरह के रूल्स रेगुलेशन चाहिए, या किस तरह के उनके पास में सिद्धांत होने चाहिए, या उनको किस प्रकार के अधिकार होने चाहिए, या उनके राइट्स क्या क्या होंगे. वो स्वयं उस असेंबली को संबोधित करें, या उस असेंबली में जो कानून बना रही है उसके अंदर में शामिल हों खुद, उसे हम कहेंगे प्योर डेमोक्रेसी या फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी उसको बोलेंगे. ठीक है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में होता है. सब स्विट्जरलैंड में बेटा क्या होता क्या है कि जब कोई पॉलिसीज, जब कोई लॉ प्रिपेयर किया जा रहा होता है तब उस टाइम में जनता स्वयं, पब्लिक स्वयं खुद उस असेंबली को में जाती है और अपनी हाँ या ना करके अपनी सहमति बताती है, अपने थॉट बताती है कि हमें ये अधिकार चाहिए, ये अधिकार नहीं चाहिए, हमें ये काम अच्छा लगा या काम अच्छा नहीं लगा, हमें इस तरह के कानून चाहिए. यानी जो कानून बना रहे हैं वहाँ पर जनता स्वयं खुद वहाँ पर जा करके अपनी प्रेजेंटेशन देती है कि भाई हमें ये अच्छा लगेगा. इस प्रकार की डेमोक्रेसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पर जनता को सीधे रूप से सुना जाता है. और ये कहां होता है? स्विट्जरलैंड में होता है. स्विट्जरलैंड में प्योर डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी. और अदर हैंड हम बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. अभी कहेंगे कि सर इनडायरेक्ट क्या मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट में क्या होता है बेटा कि डेमोक्रेसी तो दोनों है लेकिन ये इनडायरेक्ट है. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जनता खुद असेंबली में कानून प्रिपेयर ना करके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती है. ओके, कंफ्यूज मत हुई, सुनिए मेरी बात. सपोज अगर मैं आपसे आपके सोसाइटी में या आपके आस पड़ोस में अगर ये कहूँ कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ या मैं चुनाव में भाग लेना चाहता हूँ, मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ भाई आने वाले इलेक्शन के अंदर में, कि आप प्लीज़ मेरा वोट कीजिए, आप प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए. तो ठीक है, आपने मेरी मैनिफेस्टोस देखे, मैंने कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करूंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा. ठीक है, आपने ये समझ के मेरे को वोट दे दिए. अब वोट देने के बाद में जिन भी व्यक्तियों ने, जिन भी सिटीजन्स ने मेरे को वोट दिया है, वो 50,000 है, 1,00,000 है, जितने भी लोग हैं उस सोसाइटी के अंदर में जिन्होंने मेरे को वोट डाल के आगे असेंबली तक पहुंचाया है, तो मैं उन लोगों के लिए काम करूंगा, मैं उन लोगों के लिए बोलूंगा असेंबली में, क्योंकि असेंबली के अंदर में मेरे थ्रू निकला हुआ हर वर्ड मेरा नहीं होगा, उन लोगों का होगा जो वो लोग चाहते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उन लोगों को जिन्होंने मेरे को वोट डाल करके आगे इस असेंबली, इस पार्लियामेंट में पहुँचाया है या बिठाया है. ठीक है, तो मैं काम करूँगा उन लोगों के लिए
किनके लिए, जिनके लिए मैं, जिन्होंने मेरे को वोट दिया है, और इसी को बोलेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता खुद शामिल ना होकर के अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज देती है सरकार में, ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव जनता की भलाई करे, जनता के बारे में सोच करके उनको, उनकी बातों को, उनकी जरूरतों को ध्यान में रख करके वो ऐसे लॉज बनाने के लिए सरकार को बाध्य करें, मतलब कि बाउंड करें। बाध्य मीन्स बाउंड, वो सर गवर्नमेंट को इस बातों के लिए मनाए कि मेरी सरकार में जो मेरी जनता है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं आता हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स मैंने एक वर्ड यूज किया बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है कि जहां से एक नेता चुन करके आता है। मीन्स अगर सपोज कि मैंने इलेक्शन लड़े गुड़गावा से, और गुड़गावा से गुड़गावा की जनता ने मेरे को जिता दिया, गुड़गावा की जनता ने मेरे को जिताया, मेरे को वोट दिया, मेरे को उन्होंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में मैं जीत गया, तो गुड़गावा क्या होगी, गुड़गावा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। तो गुड़गावा, तो मैं किसके लिए काम करूंगा, गुड़गावा की जनता के लिए काम करूंगा उनकी, क्योंकि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो इसी तरह से मैं रिप्रेजेंट करूंगा गुड़गावा को, और इसी फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहेंगे। अब बेटा इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, देखिए जनता ने क्या हुआ बेटा, जनता ने देखिए बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे, ठीक है, पीपल ये पब्लिक है, सिटीजन से, ठीक है, ये बहुत सारे पब्लिक थी, इन पब्लिक ने क्या किया, एक फिगर चुना, ठीक है, ये बहुत सारे पब्लिक है, ठीक है, इस पब्लिक ने, अब ये सारे के सारे लोग तो पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, ये सारे लोग तो पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, तीनों ने क्या किया, एक व्यक्ति आया और वो चुनाव गया, वो क्या हुआ बेटा, वो इलेक्शन जीता, इन्हीं में से एक व्यक्ति उठ के ऊपर आया और वो सिलेक्ट हुआ इलेक्शन में, इलेक्शन में आपने, आप सबने वोट डाल करके उसको सिलेक्ट किया, क्योंकि ये व्यक्ति इन्हीं व्यक्तियों में से एक निकला हुआ है, तो ये व्यक्ति काम करेगा इन्हीं लोगों के लिए काम करेगा, क्योंकि ये इनको रिप्रेजेंट करता है, ये व्यक्ति इनको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बोला गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि किसी डेमोक्रेसी के अंदर में कोई व्यक्ति किसी को रिप्रेजेंट करे। अब ये क्या करेंगे बेटा, ये व्यक्ति यहां पर आएगा पार्लियामेंट में, अब पार्लियामेंट में क्या होगा, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये पार्लियामेंट बनाएंगे अपनी, जो लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण करेंगे या उसको सिस्टमेटिक तरीके से बनाएंगे, क्योंकि जब पार्लियामेंट्री बन जाएगा तो ये पार्लियामेंट्री क्या करती है, कानून बनाती है, और इस पार्लियामेंट्री में कौन होंगे बेटा, पार्लियामेंट के अंदर में वही लोग होंगे जो जनता ने चुन के भेजे हैं, सेलेक्ट करके, इलेक्ट करके भेजे हैं, ठीक है, और चुन करके और सेलेक्ट करके, अब मैंने बेटा दो वर्ड का इस्तेमाल किया, सेलेक्ट और इलेक्ट, ध्यान देना बेटा मेरी बात को, सेलेक्ट और इलेक्ट, इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं बेटा जनता, जैसे कि इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति को इलेक्ट किसने किया, इस जनता ने इलेक्ट किया, और इस व्यक्ति ने सेलेक्ट किसको किया, इनको किया प्रेसिडेंटल, क्योंकि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इनको सेलेक्ट करने का काम करते हैं ये इलेक्ट पीपल, आगे बात समझ में, ठीक है, हम एक बार फिर से दोहराते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव जो जनता के, जो रिप्रेजेंटेटिव थे बड़े बड़े, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव लोग थे ये सारे यहाँ पर आ गए, इन रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स ने क्या किया, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म का निर्माण किया, पार्लियामेंट बन गया, इस पार्लियामेंट में कौन थे, वो लोग थे जो इन जनता ने चुन के भेजे थे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर में। अब इस लोकसभा के अंदर में तो ये इलेक्ट हुए, ठीक है, ये लोग क्या हुए, इलेक्ट हुए, और इन्हीं लोगों ने सेलेक्ट किया प्रेसिडेंट को, इन्हीं लोगों ने क्या किया, सेलेक्ट किया प्रेसिडेंट को, ठीक है, तो इसलिए क्या कहा गया, इसे बोलते हैं हम डेमोक्रेसी, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, इसी को बोलते बेटा हम टाइप ऑफ
डेमोक्रेसी। तो आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि डेमोक्रेसी के प्रकार कितने टाइप के होते हैं। तो हमने देखा टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में एक तो होती है हमारी प्योर डेमोक्रेसी, जिसके अंदर में जनता स्वयं जाकर के अपने कानून का खुद निर्माण करती है। और दूसरा फॉर्म क्या देखा, दूसरे फॉर्म में देखा कि जनता खुद ना जाकर के अपने एक चुने हुए व्यक्ति को भेज देती है, और वो चुने हुए व्यक्ति क्या करते हैं, पहले एक पार्लियामेंट्री फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, और फिर ये पार्लियामेंट्री फॉर्म बनाने के बाद में क्या होता है, ये एक सेलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, चीफ मिनिस्टर को, या चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इन लोगों को सेलेक्ट करते हैं। तो आगे समझ में, तो इसे बोलते हैं हम टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। आई होप बेटा ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।